मई 2022 आधा तो खत्म हो गया है, लेकिन ये जो आधा महीना अभी बाकी है ना, इसमें बहुत कुछ सुपर एक्साइटिंग होना अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी ये इस महीने के अंदर जो और नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो सकते हैं, आज हम उन्हीं पर बात करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अपकमिंग स्मार्टफोन्स 2022 में। लेकिन वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है OnePlus Nord 2T। OnePlus 10R अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, OnePlus Nord 2T के लॉन्च होने के पूरी आसार दिख रहे हैं। OnePlus Nord 2T एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन होगा, मिड रेंज सेगमेंट में इसकी एक्सपेक्टेशन करी जा रही है। इसकी प्राइसिंग अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो इसकी प्राइस अराउंड 30,000 के अंदर रहेगी, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसी के साथ इसमें डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है, 50+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप इसमें हो सकता है, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर आपको देखने को मिल सकता है। 8GB रैम का सिंगल वेरिएंट हो सकता है ये, और इसी के साथ इसमें आपको 128GB तक की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है, जो कि एक्सपेंडेबल होगी बट ऑब्वियस। साथ में इसमें आपको 4500mAh तक की बैटरी देखने को मिल सकती है। और अगर आप मेन बात करी जाए कि आखिर ये कब एक्सपेक्ट करा जा रहा है लॉन्च होने के लिए, तो देखिए इसकी डेट जो है वो अभी आने वाले 3-4 दिन बाद से एक्सपेक्ट करी जा रही है। लेकिन अगर मैं सच बोलूँ तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस महीने के एंड तक लॉन्च हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है Poco F4 GT। ये स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन एक्सपेक्ट करा जा रहा है। इसकी कीमत की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि अराउंड 50,000 के आसपास इसकी कीमत आपको देखने को मिल सकती है। और फ्लैगशिप मैंने जैसे बोला तो इसमें आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर की भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल सकता है इस स्मार्टफोन में। अगर इसके कैमरा स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूं तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिल सकता है, 8 मेगापिक्सल का दूसरा लेंस और 2 मेगापिक्सल का तीसरा लेंस, मतलब ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप इसमें आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर आपको इसी स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ इसकी स्क्रीन की अगर बात करें तो 6.67 इंच की डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन डिस्प्ले जो होगी वो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिल सकती है। और साथ ही 4700mAh तक की बैटरी बैकअप आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। अब अगर वैसे देखा जाए स्पेक्स वाइज तो काफी अच्छा स्मार्टफोन लग रहा है, खैर जब ये लॉन्च होगा तब जानेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर ये कब लॉन्च हो सकता है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जून से पहले ये लॉन्च हो जाएगा, मतलब यही कि मई एंडिंग में आपको बिल्कुल ये देखने को मिलेगा, एकदम एंड के आसपास ये लॉन्च होता हुआ आपको दिख सकता है। तीसरे नंबर पे जो स्मार्टफोन आता है उसका नाम है Vivo X Fold 5G। Vivo का ये फोल्डेबल स्मार्टफोन काफी फ्लैगशिप स्मार्टफोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट तो देखने को मिल ही रहा है, साथ में 12GB रैम और 128GB और 256GB के 2 इंटरनल स्टोरेज के वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। इसके अगर कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिल सकता है, 48 मेगापिक्सल का दूसरा लेंस, साथ ही 12+2 मेगापिक्सल का 2 लेंस और मतलब क्वाड रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल सकता है, और साथ में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर आपको देखने को मिल सकता है इस स्मार्टफोन के अंदर। और ये स्मार्टफोन 4600mAh की बैटरी के साथ आएगा। अब अगर 4600mAh जब मैं फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए सुनता हूँ तो मुझे लगता है शायद थोड़ा कम है, लेकिन खैर देखते हैं जब ये स्मार्टफोन आएगा तो कैसा होगा ये स्मार्टफोन। लेकिन अब इसकी प्राइस और ये कब आ रहा है इस पर बात कर लेते हैं। तो इसकी कीमत अराउंड ये मानी जा रही है कि 1,07,000 या 1,08,009,000 के अंदर इसकी कीमत हो सकती है। और साथ ही इसकी अगर लॉन्च की बात करी जाए तो मई एंड, मतलब अगर डेट में आपको स्पेसिफिक बोलूं तो डेट स्पेसिफिक एक्सपेक्ट करी जा रही है कि आपको अराउंड 29 या 30 मई के आसपास ये देखने को मिल सकता है, नहीं अगर तो जून स्टार्टिंग में डेफिनेटली ये आपको दिख जाएगा। अब अगला एक्सपेक्टेड स्मार्टफोन है उसका नाम है गैलेक्सी A13। ये स्मार्टफोन एक लो बजट स्मार्टफोन में आप इसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत आंकी जा रही है कि अराउंड ये 18,000 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला ये स्मार्टफोन, उसके नीचे ही कहीं आपको देखने को मिल सकता है ये स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन में आपको डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, वहीं साथ में इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस हो सकता है और साथ ही 2 मेगापिक्सल के 2 और कैमरा लेंस आपको मिल सकते हैं, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर आपको
स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें आपको 5000 mAh तक की बैटरी लाइफ देखने को मिल सकती है। 5000 mAh की बैटरी, वो भी सैमसंग स्मार्टफोन, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी बैटरी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। और इसकी स्क्रीन की अगर बात करें तो इसमें 6.5 इंच की 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। अब अगर ये जानने की कोशिश करी जाए कि आखिर ये कब आ सकता है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो डेट जो आ रही है रूमर्स से वो एक्सपेक्ट करी जा रही है कि 27 मई तक ये लॉन्च हो जाएगा। अब क्रॉस करके बैठे हैं भाई, देखते हैं कब लॉन्च होता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो। इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन अभी मार्केट में धूम मचाए हुए हैं और ये स्मार्टफोन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी प्राइसिंग एक्सपेक्ट करी जा रही है अराउंड 15,000 तक। मतलब एक ये लो बजट स्मार्टफोन अगर आप देखना चाहें, जब आप काफ़ी एक लिमिटेड बजट में स्मार्टफोन चाहते हैं, तो ये जो स्मार्टफोन हो सकता है ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन पहले इसकी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको हीलियो P95 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, 5200 mAh तक की बैटरी लाइफ आपको इसमें देखने को मिल सकती है, ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है। और क्वाड कैमरा सेटअप होगा, 64 MP का मेन कैमरा लेंस और साथ ही 8 MP, 5 MP और 2 MP के बाकी 3 लेंसेज आपको मिल सकते हैं। मतलब क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें आपको 16 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर देखने को मिल सकता है और इसकी डिस्प्ले 6.9 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकती है। रिफ्रेश रेट ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि अप टू 60-90Hz के आसपास इसका रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो देखते हैं स्मार्टफोन कैसा होगा। ऑन दिस नोट इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो एक्सपेक्टेड स्मार्टफोन्स जो 2022 मई में लॉन्च हो सकते हैं और लॉन्च होके धमाल मचा देंगे मार्केट में। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए चैनल पे बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्लीज उन्हें देखिए, लाइक करिए, फॉलो करिए हमें, और हाँ, हमें सपोर्ट करना ना भूलिए। आपके सपोर्ट से हम थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं।